हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी मनिंदर सिंह ओला। और मैं भी आप सब लोगों की तरह एक ऑन पैसिव के अंदर एक फाउंडर हूं और बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूं। प्राउड होता है अपने ऊपर कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का एक फाउंडर भी हूँ। दोस्तों, डाटा सेंटर के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हो रही हैं। लगातार बहुत सारे यूट्यूबर डाटा सेंटर के बारे में बातें बता रहे हैं और डाटा सेंटर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अपनी एक इंडिविजुअल वीडियोस बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूं, जिसमें मैं प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को कम शब्दों में और आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, डाटा सेंटर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और जो भी हमारे डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट जब तक डाटा सेंटर ऑन नहीं हो जाता है, डाटा सेंटर लॉन्च नहीं हो जाता है, तब तक हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। बिकॉज़ जब हम किसी भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वर्क करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही करेंगे। और डाटा सेंटर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसमें बहुत सारा डाटा हमारा सेव रहेगा। हर कंपनी का अपना अलग अलग एक डाटा सेंटर होता है। माइक्रोसॉफ्ट हो जाता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, इन सभी के अपने अपने डाटा सेंटर होते हैं जहां पर हम अपना डाटा स्टोर रखते हैं। ये जो यूट्यूब वीडियो जो हम सब लोग बनाते हैं ये भी डाटा सेंटर में ही जाकर के स्टोर होती है। अब हर कंपनी का जो डाटा सेंटर होता है वो अलग अलग होता है। बहुत सारी कंपनियां दूसरे कंपनियों के डाटा सेंटर में भी अपना डाटा स्टोर करने के लिए उसे रेंट पर लेती हैं। अब ऑन पैसिव के अंदर सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि हमारा खुद का डाटा सेंटर होगा। अगर एक डाटा सेंटर भी यहाँ पर ऑन हो जाता है, लॉन्च हो जाता है, तो इसमें से कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट हैं हमारे, जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं, वो ऑलरेडी लॉन्च के करीब बहुत जल्दी होंगे ही होंगे। सभी लोगों को इंतज़ार है कि बहुत जल्दी जो ऑन पैसिव है वो अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग लॉन्चिंग के करीब हैं, और जिसमें से ओ कनेक्ट हो गया, ओ वॉलेट हो गया, ये लॉन्चिंग के बहुत ही जल्दी करीब होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल डाटा सेंटर को ऑन होने दीजिए। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डाटा सेंटर है वो इसी हफ्ते में बहुत जल्दी हम लाइव देख पाएंगे कि हाँ, डाटा सेंटर ऑन हो गया है, लॉन्च हो गया है। डाटा सेंटर लॉन्च ना होने की वजह से, इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है और ऑन पैसिव के अंदर जो काम है वो काफ़ी हद तक बहुत हो चुका है। जी हाँ, 2018 से अगर हम देखें 2022 चल रही है, तो अब तक जितना काम हुआ है अब आने वाले वक्त में और भी काम और जल्दी हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जो काम शुरुआती दिनों में जो कंपनियों के लिए जो एक संघर्ष भरा समय होता है वो बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है और बहुत सारे काम आसान होने लगते हैं। तो अब बहुत सारे काम आसान हो चुके हैं और हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है डाटा सेंटर को लेकर के और ऑन पैसिव के लॉन्चिंग को लेकर के। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी लॉन्चिंग को लेकर के बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। डाटा सेंटर होता क्या है, शुरुआत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, अब इसके पीछे कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, होता क्या है डाटा सेंटर, इसका काम क्या होता है और इसको बनाना क्यों ज़रूरी होता है, इसके पीछे मैं एक वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, वो भी मैं आपके लिए प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करूँगा उसके अंदर, जिससे कि आप सब लोगों को वो आसानी से समझ में आ सके। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा अभी तक कि डाटा सेंटर होता क्या है, लेकिन सभी के जो विचार होते हैं वो अपने अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, बस डाटा सेंटर को आप, मैं अपने एक लाइन के अंदर इतना बोलूँगा कि डाटा और सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर हमारा डाटा पूरा स्टोर किया जाता है। जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं या मोबाइल स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन जितना भी काम होता है वो सारा का सारा एक डाटा सेंटर के अंदर ही स्टोर किया जाता है। एक सर्वर की भी ज़रूरत होती है जहाँ से हमारी कोई भी वेबसाइट जो होती है वो स्मूथली वहाँ पे रन होती है। तो दोस्तों, बहुत जल्दी हमारी जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और कुछ ही दिनों के अंदर आपको डाटा सेंटर की एक खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत जल्दी हम सब लोग आपको YouTube के माध्यम से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को सभी फाउंडर्स के आगे ज़रूर शेयर कीजिए। और जो नए फाउंडर्स लगातार डे बाई डे जो बन रहे हैं उनके लिए हर एक इन्फॉर्मेशन
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, वी आर सो इन इट टू विन इट। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी टीम के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू वेल्थ।